Hey yo, what's up everybody? This is your boy Eddie and welcome back to another video. So video का thumbnail देख के आपको idea लग गया होगा video किस चीज के बारे में है. तो जी हाँ, आज की video जो है home workout होगी shoulder and triceps के ऊपर. So firstly, I hope आप सब safe होंगे घरों में, अपने घरों में होंगे, इधर उधर ज़्यादा नहीं कर रहे होंगे, अपने family friends के साथ quality time spend कर रहे होंगे. So, चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं. ज़्यादा कुछ हमें देखो इस वीडियो में हमें ज़्यादा कोई भी इक्विपमेंट नहीं लगेगा. हमें जो इक्विपमेंट लगेंगे वो घर पे आपको बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएंगे और वो कुछ और नहीं ईंटें हैं. ईंटें आपके घरों में होंगे ही, कहीं ना कहीं मिल जाएंगी इधर उधर से भी अगर नहीं होंगे तो. सो हम किससे वर्कआउट करेंगे? ईंटों से वर्कआउट करेंगे और अभी मैं वर्कआउट आप लोगों को दिखाता हूँ. तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं और सीधे वर्कआउट पर चलते हैं. सो गाइज, द फर्स्ट थिंग विच वी हैव टू डू इज वार्म अप, क्योंकि वार्म अप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो बहुत सारे लोग नहीं करते हैं. कोई भी वर्कआउट करने से पहले आप लोगों को अच्छे से वार्म अप करना पड़ेगा अपनी बॉडी को. सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वार्म अप. और मेरे पास मेरा रेजिस्टेंस बैंड है जो कि टूट चुका है, बट कोई बात नहीं, और अच्छी बात है. सो अपन पहले करेंगे क्या वार्म अप. वार्म अप करने के लिए सबसे पहली चीज करेंगे शोल्डर का वार्म अप करेंगे थोड़ा सा. लेटरलाइज ऐसे ही करते ना, अपन वार्म कर लेते हैं पहले. और बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है, सुहाना, चिड़ियों की चहचहाट के साथ हम वर्कआउट करते हैं. ठीक. If I die, wish I could slow down time and just enjoy the fun. And I'm the one to get it, bro. Let's go. Yeah, I'm the one to get it, bruh. I swear to God, I'll get it, bruh. Hey, I ain't never giving up. Said, I never give up. I got this, man, I got it. I will rock when I'm on it. ऑलराइट गाइस, तो हमारा वार्म अप हो चुका है, तो अब मूव करते हैं अपन वर्कआउट पे. एंड जो पहला वर्कआउट है शोल्डर में, वो हम ले रहे हैं पाइक पुशअप्स, जो पूरा शोल्डर को हिट करेगा आपके. सो मैं दिखा देता हूँ कैसे करना है. सो पहले पुशअप वाली पोजीशन पे आना है, ठीक है ना, ये फॉर्म पे आना है, ठीक है ना. हम सर को नीचे रख के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. तो जैसे आप शोल्डर प्रेस लगाते हो ना, सेम पूरा इफेक्ट यहां पे आएगा अपने फ्रंट पे. सो इसके आपको लेने हैं 3 सेट. रेपिटेशन रेंज आपकी रहेगी फेलियर तक, कंसेंट्रिक फेलियर, यानी कि 20 से 25 रेपिटेशन लेने हैं. तो इसके 3 सेट्स लगाएंगे, फिर उसके बाद आपको. ऑलराइट गाइस, सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्कआउट की तरफ. और नेक्स्ट वर्कआउट के लिए हमें मांगता है ईंटा. 2 ईंटे चाहिए हैं आपको. सो अपनी जो नेक्स्ट वर्कआउट है वो क्या होने वाली है? होने वाली है फ्रंट रेज, ठीक है ना. फ्रंट रेज देंगे, उसके बाद जो नेक्स्ट होगी वो साइड होगी. तो मैं करने वाला हूँ फ्रंट रेज. फ्रंट रेज में मैं 20-20 के 3 सेट लेने वाला हूँ, ठीक है ना. तो 20-20 के 3 सेट दोनों में, फ्रंट रेज में भी लूंगा और साइड रेज में भी लूंगा, यानी लेटरल रेज में. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. But my legs heavy, I don't get it. How come I haven't hit it already? Still working, I'm still learning, I'm still searching, finally earning something, finally turning something called a profit. If I hear you talking shit, don't get caught in it. I'll be popping off and hit your ass, dropping all your shit. Yeah, I promise this, I got promises, you ain't stopping this. Cross my shit, you'll be knocked unconscious, bitch. That's the consequence, I got this. आप बहुत ही control form में लगाना इसको. And yeah, आप लोग अल्टरनेट भी कर सकते हो एक एक हाथ से, ठीक है ना. मैं अपने कैपेबिलिटीज के हिसाब से कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कर रहा. सो इसके बाद अभी नेक्स्ट वर्कआउट करेंगे, अल्टरनेट ही कर रहा हूँ मैं. तो अब मैं साइड रेज लूंगा 20 रेप लूंगा 3 सेट. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
ठीक है। ऑल राइट गाइस, तो पसीना देख ही सकते हो आप। सो बढ़ते अपने नेक्स्ट वर्कआउट की तरफ। आर्नोल्ड प्रेस करेंगे ईंटों से, इसके भी अपन लेंगे 3 सेट 20-20 रेपिटेशन के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो मैं क्या बोल रहा था कि शोल्डर के लिए हो गई है वर्कआउट। 4 वर्कआउट मैंने किए, एक पाइक पुशअप्स, एक फ्रंट रेस, एक साइड रेस एंड एक ये आर्नोल्ड प्रेस। 4 वर्कआउट करो, 3 सेट लो या 4 सेट लो, रेपिटेशन रेंज ऑफ रेपिटेशन जो है तो बढ़ा के रखो, क्योंकि वेट बहुत ज़्यादा लाइट है मेरे हिसाब से। तो आप लोग, कुछ लोग जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं उनके हिसाब से भी वेट लाइट ही होगा। तो रेपिटेशन बढ़ाओ, रेपिटेशन बढ़ाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, और मज़ा आएगा आप एक बारी करके देखना। सो पाइक पुशअप में आपकी फ्रंट और ये बैक का थोड़ा सा पार्ट हिट होता है, तो ट्राई करना एंड मिलते हैं आपको ट्राइसेप वर्कआउट में। ठीक है, तो ऑलराइट गाइस, मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट वर्कआउट, ट्राइसेप की वर्कआउट। और उसका पहला वर्कआउट जो हम करने जा रहे हैं वो है ईंटा ओवरहेड प्रेस। जिम में आप करते हो डंबल ओवरहेड प्रेस, यहाँ पे हमारे पास ईंटा है तो हम करेंगे ईंटा ओवरहेड प्रेस। तो ये 2 ईंटे ले लो, ऐसे रख लेने का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखा कितने कंट्रोल फॉर्म में लगा रहा। इसके भी अपने को कितने सेट लेने हैं? 20। सॉरी, सेट नहीं, रेपिटेशन 20 लेनी है। सेट आप 3 या 4 सेट ले सकते हो, मैं 4 सेट ले रहा हूँ। बाय द वे 3 बोला था बट मैं 4 सेट ले रहा हूँ। 4 में मेरे को ज़्यादा मजा आ रही है, और रेपिटेशन आप बढ़ाओ और अच्छा खासा पंप भी आ रहा है। और एक बात और, थोड़ा ज़्यादा हैवी ले रहे हैं तो हमारे पास ये भी आए तो हम इससे भी लगाएंगे। ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके। जो भी भारी चीज मुझे उठा के चालू हो जाओ, बहाने बनाने की जरूरत नहीं है कि ये नहीं है वो नहीं है, मजा ही आ गई। सो अब इसका नेक्स्ट वर्कआउट करेंगे। नेक्स्ट वर्कआउट में अपन लेंगे स्कल क्रशर, करते हैं ना अपन डंबल से और बारबल से। अपने पास यहाँ बारबल तो नहीं है, ईंटा है, तो ईंटा स्कल क्रशर करेंगे अपन। ठीक है ना। सो गाइज एंड गर्ल्स, लेट्स स्टार्ट अवर नेक्स्ट वर्कआउट, ईंटा स्कल क्रशर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने को ऐसे लेटने का है, ये फॉर्म रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 please 30। सो ये करो यार, बहाने मत बनाओ, वर्कआउट करो। वर्कआउट घर पे भी आप कर सकते हो आराम से। एक रहा फुल देसी तरीके से आप लोगों को दिखा रहा हूँ, और आप हो गया लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते, शेयर तो करते ही नहीं हो। तो वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं आपको कुछ नेक्स्ट वर्कआउट में, नॉट वीडियो, नेक्स्ट वर्कआउट में। तो ये हो गया ना। अब जैसे कि अपन सिंगल आर्म लगाते ना, ये चीजें सिंगल आर्म ओवरहेड प्रेस लगाते ना, सेम चीज सिंगल आर्म छोड़ो, आप सिंगल आर्म रोइंग लगाते हो ना ऐसे डंबल से, पुश डाउन बोलते हैं उसको, सिंगल आर्म ऐसे केबल से, तो वो चीज अपन करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंगल आर्म ये ऐसे लेने का, इस पे दिखा तो फर्स्ट टाइम इसे दिखे,
थोड़ा सा बेंड करेंगे, 1 2 एक हाथ से 20 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 नेक्स्ट टाइम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 खत्म होते ही तुरंत डायमंड पुशअप्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 बैंड बज गई रे बाबा, बैंड भाई तीन सेट या 4 सेट आपको करने हैं ये। ऑलराइट गाइस, सो आई एम डन विथ माई वर्कआउट एंड आई होप आप लोग को मजा आया होगा इस वर्कआउट में। इतना आप करके देखो, इतने में ही फट जाएगी आप लोगों की। और पूरा मतलब रेंज ऑफ रेपिटेशन बढ़ाना है, जैसे कि मैंने इंक्रीज किया था, और आप भी इंक्रीज कर सकते हो जितनी आपकी कैपेबिलिटीज हैं। सो इस वर्कआउट को ट्राई करो, और मजा ना आए ना तो बोलना मेरे को। और ट्राई से बहुत ही कर्रा वाला पंप हो चुका है एंड शोल्डर भी, लेकिन शोल्डर से ज़्यादा मेरे को ट्राई से में मज़ा आया है, ट्राई से ज़्यादा पंप हो गया है। सो चलो मिलते हैं आपको ऐसी किसी बढ़िया सी वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड कीप गोइंग एंड कीप ग्रोइंग। यहाँ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसी ऐसी वीडियोस लाते रहूँगा। तो ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।